गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज एक ऐसी जगह पे मैं आया हूँ जहाँ पर कभी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए थे अपने आंदोलन के टाइम में। आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था उस टाइम में वो शिमला आए थे। और यहाँ पर ये पीछे मेरे देखें तो ईदगाह मस्जिद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ईदगाह मस्जिद है और नीचे से रास्ता है वहाँ से। चलिए नीचे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। ईदगाह कॉलोनी शिमला, ये ईदगाह मस्जिद है यहाँ पर। और ये यहाँ पर ईदगाह कॉलोनी का बोर्ड लगा है और ये पूरा सराउंड एरिया है। और ऊपर की तरफ लक्कड़ बाजार बस स्टैंड है। ये ईदगाह ग्राउंड का गेट नंबर 1 का रास्ता है और ये नीचे से भी रास्ता आ रहा है। और यहाँ ये अभी ऊपर से मैं आया हूँ, ये मस्जिद है ऊपर ये, और इधर से आया हूँ। तो इस गेट की तरफ, गेट नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे। ईदगाह ग्राउंड शिमला 1, गेट नंबर 2 ये लिखा है यहाँ पर। छोटा, काफ़ी छोटा ग्राउंड ये दिख रहा है, किसी से बात करते हैं। ये मस्जिद की एंट्री है, शायद यहाँ से देखते हैं किससे बात हो सकती है। तो साथियों, अभी मैं ऊपर आकर के ये ईदगाह ग्राउंड आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ मुझे एक भाई मिले हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। रेहान। रेहान भाई, कहाँ से आप? मैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद से हैं और आप यही रहते हैं? जी। ओके ओके, बहुत ही बढ़िया। तो ये ईदगाह ग्राउंड यही है? ईदगाह ग्राउंड यही है। तो ये ग्राउंड है जहाँ पर कभी गांधी आए थे, कभी गांधी आए थे और उन्होंने यहाँ पर जनसभा की थी लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने के लिए, या आज़ादी के आंदोलन के लिए यहाँ पर सभा हुई थी। तो ये वो ईदगाह ग्राउंड है, ये शिमला में है। और लक्कड़ बाजार, ऊपर लक्कड़ बाजार है, वहाँ आप बस द्वारा आकर के और यहाँ नीचे बिल्कुल ये थोड़ा सा ही नीचे और आकर के ये ग्राउंड हमें मिलता है। ईदगाह ग्राउंड जैसे नाम लिखा हुआ है शिमला। और इसके साथ में ये ईदगाह मस्जिद है जहाँ पर हम खड़े हैं और ये किसी के घर भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो ऐसा ये यहाँ का सीन है पूरा, आप देखें सराउंडर जो है, क्योंकि उस टाइम तो ये इतना डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन अभी बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पर है। ये देखिए आप, चारों तरफ ये टीन के बने हुए हैं घर हैं इसके पास में। और ऊपर हिल पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रिहायशी कम्प्लेक्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये वो ईदगाह ग्राउंड है जहाँ पर कभी गांधी आए थे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।